जो ये वायलेशन फिर से करते हैं उनके लिए क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, रिपीटेड वायलेशन है। देखो एनफोर्समेंट तो होगी उस पर लगातार, एक सस्टेंड तरीके से इस पर ड्राइव जारी की, आज शुरू की है, और इसमें ट्रैफिक पुलिस, इसमें SMC और SDA रेवेन्यू अथॉरिटी सभी लोगों ने मिलकर इसमें एक ड्राइव शुरू की है, और कंसर्न जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस ड्राइव को लगातार जारी रखा जाएगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शख्स एम्बुलेंस की मूवमेंट को ब्लॉक ना करे। जब पटपालू में जाम लगता है तो 1 किलोमीटर पीछे, 500 मीटर पीछे ज़रूर कोई ना कोई एम्बुलेंस होती है। तो हर गाड़ी चलाने वाला अगर अपने जेहन में ये रखेगा कि हमें किसी अस्पताल में जाते हुए दम तोड़ते हुए मरीज़ को जगह देनी है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो मुझे लगता है कि अगर इतना ही सेंस हम रखेंगे हम सभी मिलकर, तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे। सर, अगर देखा जाए यहाँ पर रामबाग में भी इसी तरह की सिचुएशन होती है, काफ़ी ज़्यादा कंजेक्शन रहता है सुबह और शाम, वहाँ पर हमने देखा है कि एम्बुलेंस जो है वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक इंतजाम उठाने की ज़रूरत नहीं है सर? देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूँ। आप जहांगीर चौक की एग्ज़ाम्पल ले लें, जो शॉप से शॉपकीपर्स जो हैं उनकी गाड़ियाँ दुकानों के आगे लगी होती हैं, जबकि जहांगीर चौक के पास आप अदर साइड देखें वहाँ पर पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड है, उसको छोड़कर पूरा दिन दुकानों के आगे गाड़ियाँ लगाकर एक तो उनका बिजनेस सफ़र होता है और एक पूरा शहर सफ़र होता है उससे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कड़वी गोली हम सबको खानी पड़ेगी। पार्किंग स्पेस जहाँ है वहाँ गाड़ी लगा के हम, अगर हमें 5 मिनट पैदल भी चलना पड़े उसमें कोई हर्ज नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है। 10 मिनट भी पैदल चलकर अगर पार्किंग स्पेस में हम गाड़ी लगाकर 10 मिनट पैदल चल के आएँ, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, पूरे शहर की सेहत के लिए अच्छा है। सर, नॉन रिलेटेड क्वेश्चन है सर, ये अभी नया वेरिएंट जो आ रहा है काफ़ी ज़्यादा उसमें खोपो हिरास पाया जा रहा है, स्पेशली अगर हम सोपोर की बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है इन्वॉल्व हुए इसमें, तो लेटेस्ट अपडेट क्या है उसके लिए? देखिए ओमिक्रॉन वेरियंट को WHO ने वेरियंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर हो गया है तो वो हमारे लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें अपने मार्केट्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और दीगर तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और इनफरादी तौर पर हम इस चीज़ को अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि कोविड से जिस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड वेव से पूरे श्रीनगर शहर ने मिलकर इसका मुकाबला किया है, जो थर्ड वेव की के खतरात, थर्ड वेव के जो बादल मंडला रहे हैं, उससे हम तभी कामयाब तरीके से बाहर निकल कर आएंगे, उससे तभी हम